हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय रेडिएंट एकेडमिक क्लासेस। आई एम बीएल गुप्ता। क्लास इलेवेंथ के लिए आज बच्चों हम सभी के लिए लैंडस्केप ऑफ द सोल नाम का जो लेसन है उसमें एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो सीबीएसई में और यूपी बोर्ड दोनों ही क्लासों में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसकी विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, हिंदी एक्सप्लेन करके हम पूरा अर्थ बताएंगे इस आंसर का। तो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ द पेंटर वू दाऊजी इन दिस चैप्टर। तो इस लैंडस्केप ऑफ द सोल नाम के लेसन में जो वू दाऊजी एक पेंटर हैं, उन्होंने जो पेंटिंग की थी शहंशाह के आदेश पर, उसके बारे में ये बताया गया है कि उसकी क्या स्टोरी थी। पेंटर कौन था? वू दाऊजी। इस चैप्टर में कौन से में? लैंडस्केप ऑफ द सोल में। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल। इस लेसन के हमने कुछ अन्य क्वेश्चन भी, अदर क्वेश्चन लॉन्ग डाले हैं जिसमें कंसेप्ट ऑफ सेंस हुई है, वो मेरे आपके इस मेरे चैनल पर वीडियो में प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। और आपका नेकचंद वाला हु वॉज अन ट्विटर जीनियस ये भी है इसमें, आप उसको भी देख लें, वो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं सभी बच्चों से कहूँगा, जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हैं वो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें अपने फ्रेंड्स में। और लेट्स स्टार्ट। तो फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सामने क्वेश्चन लिखा है और आंसर अब विद हिंदी आप सभी समझें। ए वंडरफुल ओल्ड स्टोरी इज अबाउट द पेंटर वू दाऊजी। तो ये एक बहुत ही अद्भुत कहानी है, वंडरफुल स्टोरी है। पेंटर वू दाऊजी थे जो बहुत अच्छे नामचीन पेंटर थे, उनके बारे में है। हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो 8वीं शताब्दी में रहते थे। ही वॉज ए फेमस पेंटर ऑफ हिज टाइम्स, वह अपने समय के बच्चों क्या थे, बहुत ही फेमस पेंटर थे बच्चों, बहुत ही प्रसिद्ध अपने समय के पेंटर थे। ही वॉज कमीशन्ड बाय द एम्परर टू मेक ए यूनिक पेंटिंग फॉर द पैलेस वर्ल्ड। उनको शहंशाह के द्वारा, एम्परर के द्वारा आदेश दिया गया था कि वह अपने महल की दीवारों पर एक अद्भुत पेंटिंग लगाना चाहते थे। उनको आदेश दिया गया था वू दाऊजी को और उन्होंने उस आदेश को माना। ही डिड इट, उन्होंने इस बात का को माना और हाइड द पेंटिंग बिहाइंड ए स्क्रीन, और उन्होंने उस पेंटिंग को बच्चों क्या किया, पर्दे के पीछे छिपा दिया। बिहाइंड द स्क्रीन का मतलब है पर्दे के पीछे उस पेंटिंग को छिपा दिया। क्यों छिपा दिया? ओनली द एम्परर कुड वॉच इट, ताकि केवल शहंशाही उसको देख सकता था पेंटिंग को। एम्परर एडमायर दैट, जब शहंशाह ने उस पेंटिंग को पर्दे के पीछे देखा तो उसकी बहुत ही तारीफ की, प्रशंसा की उस पेंटिंग की, क्योंकि उसमें ट्रीज थे, क्लाउड्स थे, बर्ड्स थी, पक्षी थे, तालाब थे, इसकी उन्होंने सीनरी बनाई थी वू दाऊजी ने। तो उसको देखा तो शहंशाह ने बहुत ही प्रशंसा की पेंटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे समय तक उसकी प्रशंसा करते रहे। द पेंटर सोड ए केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, और पेंटर ने और क्या दिखाया था, एक गुफा दिखाई थी जो माउंटेन की तलहटी पर थी, फुट पर थी। वेयर ए स्प्रिट ड्वेल्ट, और जहाँ पर उस में एक आत्मा रहती थी, कहाँ पर, माउंटेन केव में, केव में एक आत्मा रहती थी। ही क्लैप्ड, उसने ताली बजाई। एंट्रेंस ओपन, प्रवेश द्वार खुल गया। एंड बिफोर द एस्टोनिस्ट एम्परर कुड मूव, इससे पहले कि शहंशाह मूव कर पाता, घूम पाता, अटर ए वर्ड, कुछ शब्द कह पाता, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, और जो पेंटिंग थी, जो पेंटिंग बनाई गई थी वो उस दीवार से तुरंत गायब हो गई। वो रहस्यमयी जादुई केव थी, गुफा थी, उसमें केवल क्या था, स्पिरिट रहती थी, आत्मा रहती थी। नॉट ए सिंगल ट्रेस ऑफ वू दाऊजी ब्रश, उस पेंटिंग पर, उस दीवार पर पेंटिंग का एक ब्रश तक दिखाई नहीं दिया बच्चों। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वू दाऊजी जैसा आर्टिस्ट फिर इस संसार में कोई दोबारा देखने को नहीं मिला। तो ये सभी बच्चों के लिए आपको हमने लैंडस्केप ऑफ द सोल का क्वेश्चन बताया, इसका आंसर भी बताया। सभी इसको बहुत अच्छे से लिख लें, बार बार लिख करके प्रैक्टिस करें, तो मैं समझ रहा हूँ कि बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसके बाद हम इसी क्लास का एक और वन मोर क्वेश्चन है आपका एलिंग प्लेनेट में, अब इसके बाद हम उस वीडियो को डालेंगे।
Till then, goodbye to all the students. My lecture is over. Thank you very much for watching my video.